हेलो एवरीवन, जीत कौर टीवी देखने वालों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत कौर टीवी यूट्यूब। आपके प्रीशियस टाइम के लिए थैंक यू सो वेरी मच। मेरे लाइफ टाइम स्टोरीज जो लोग देखते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं, तकरीबन 37,000 तक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही क्यूट कमेंट हैं। थैंक यू सो वेरी मच। इसका मतलब ये है कि जो मैंने स्टोरी बनाई थी वो मकसद से कि स्टोरी बना के मैं आप लोगों को रिलेशनशिप के बारे में गाइड कर सकूं, तो वो मेरे मकसद पूरा हो रहा है। आप जितना अप्रिशिएट करते हैं उससे ये बात पता चलती है कि आप वो चीज़ को अपनी लाइफ में ज़रूर अडॉप्ट करेंगे। मुझे इस चीज़ की बहुत ही खुशी है। इमिग्रेशन रिलेटेड जो वीडियोज़ मैं बना रही हूँ, क्वेरीज़ के हिसाब से मुझे पता चलता है कि आपको काफ़ी हेल्प हो रही है, एंड मैं वो कंटिन्यू करूँगी हमेशा ही जब तक कर सकूँगी। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उनको बोलने से पहले मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि स्टडी रिलेटेड स्टूडेंट्स जो हैं, जो फर्दर स्टडी के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, उनके क्वेरीज हैं। तो उनसे मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि स्टडी अगर आप करने अब्रॉड जा रहे हैं, अगर आप प्लस टू के बाद ही जा रहे हैं, तो एक चीज़ आपको बहुत ही क्लियर करनी है अपने आप के साथ कि आपको वहाँ स्टडी ही करनी है, क्योंकि स्टडी अगर कंप्लीट होगी तो आपके सेटलमेंट के ऑप्शंस जो हैं वहाँ पे बढ़ जाएंगे। अगर आपने ड्रॉप आउट कर लिया एंड अगर आपने ये समझ लिया कि आप वहाँ जाकर ड्रॉप आउट होके एंड काम करके सर्वाइव कर लेंगे, शादी करके या कुछ और करके या इलीगल होके, तो ये अब बहुत पुरानी बात हो चुकी है, क्योंकि आपको ना घर रेंट पे मिलेगा, ना आपको कोई प्रॉपर जॉब मिलेगी, ना आपको मेडिकल मिलेगी, ना आपको इंश्योरेंस मिलेगा, तो आप परेशान हो जाएंगे। आप पढ़ने जा रहे हैं, तकरीबन 7, 8 या 9 साल की बात है, आपकी स्टडी कंप्लीट होके, आपकी टेम्पररी वीज़ा होके, आपकी परमानेंट जॉब होके एंड परमानेंट रेजिडेंसी होके, आप उसके बाद पूरी लाइफ आप काम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें। जो ग्रेजुएशन होने के बाद, जब बीटेक वगैरह स्टडी होने के बाद जो बाहर जाते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी स्टडी के रिलेटेड ही कोर्स चूज़ करें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आपको सेटलमेंट के लिए, आपकी पीआर के लिए। वो आपको तभी मिलेगी जब आपकी स्टडी से रिलेटेड होगी, एंड आपका जॉब आपके हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपकी स्टडी के हिसाब से होगा। एंड आपको पीआर मिलने के लिए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो आपका ऑक्यूपेशन डिमांड लिस्ट में आपका ऑक्यूपेशन है या नहीं है, वो चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत कौर टीवी। हैव अ गुड डे।